सीहोर जिले में नेशनल लोक अदालतों का अब स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। गांव-गांव में शासकीय सेवक और स्वयं सेवक समाज से भी पीड़ित को न्याय दिलाने या फिर विवादों में समझौता कराने के लिए सक्रिय नजर आएंगे। नेशनल लोक अदालत को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के DR सेंटर भवन में पत्रकारों को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष RN चंद्र और अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मुकेश कुमार दांगी ने संबोधित किया। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर में 12, आष्टा में 7, नसुल्लागंज में 4, बुधनी में 3, इछावर में 1, इस प्रकार कुल 27 खंडपीठों का गठन किया गया है। सिविल प्रकरण सहित कुल 2580 राजीनामा के प्रकरण भी नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री RN चंद्र ने कहा कि नेशनल लोक अदालतों के कारण पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता भी समाप्त होती है, सन धन श्रम की बचत होती है, कोई भी पक्षकार हारता नहीं है, दोनों पक्षकारों की जीत होती है, लोक अदालत में न्याय शुल्क वापस हो जाता है, लोक अदालत का आदेश निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं होती है। खास बात यह है कि लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। 11 अगस्त को सीहोर, आष्टा, नसुल्लागंज, बुधनी, इछावर में नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। सर, जिले की लोक अदालत में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं आपके आने के? इस बार जो है अवेयरनेस जो प्रोग्राम हमारे हैं गांव-गांव डोर टू डोर हैं और सभी विभाग के एक्टिव जो अधिकारी हैं वो सब भी इसे नेशनल प्रोग्राम के रूप में लेकर के सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।